ओल्ड मेमोरी एपिसोड 1। तो गाइस यार क्या आप लोगों को पता है कि पहले गाइस यार आप लोग का जब पबजी मोबाइल था उस टाइम पे गाइस यार आप लोग का वीपीएन ट्री करके आया करता था, जहां पे गाइस यार आप लोग कोई भी कंट्री का कोई भी इवेंट का रिवार्ड कलेक्ट कर सकते थे। जहां पे गाइस यार देख सकते हो आप लोग को बिल्कुल फ्री में यहाँ पे एडवांस रूम कार्ड, आरपी पॉइंट, उसके अलावा यहाँ पे काफी सारे परमानेंट रिवार्ड्स कोई भी कंट्री के आप लोग कलेक्ट कर सकते थे। लेकिन गाइस उसके बाद इसको अचानक से गाइस यार यहाँ पे बंद कर दिया गया। तो गाइस ऐसा क्यों हुआ और किस टाइप से गाइस यार यहाँ पे इवेंट आता था, उसी के बारे में गाइस इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो गाइस यार आप लोग वीडियो डेफिनेटली लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस काफी ज्यादा ये ओपी वाला वीडियो होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहतो आर, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से एक नए वीडियो साथ आ चुका हूँ फ्रेंड। और गाइस यार जैसा कि मैंने कल सुबह वाले वीडियो में गाइस आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं यहाँ पे ओल्ड सीरीज स्टार्ट करूँ, जहाँ पे गाइस आप लोग का पास्ट में क्या क्या चीज़ें पबजी मोबाइल के अंदर हुआ करता था उसको लेकर यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने बोला था कि हाँ भाई ओल्ड चीज़ों को लेकर भी यहाँ पे वीडियो बनाया करो, हम लोग को गाइस यहाँ पे ओल्ड मतलब पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी उसके बारे में भी हम लोग को जानना है। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं एपिसोड ओल्ड मेमोरी का, जहाँ पे गाइस आज है आप लोग का एपिसोड नंबर 1, जहाँ पे गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा वीपीएन ट्रिक। यानी कि गाइस पहले आप लोग का वीपीएन ट्रिक करके कुछ हुआ करता था, जहाँ पे गाइस क्या होता था कि आप लोग गाइस यहाँ पे कोई भी कंट्री के अंदर मान लीजिए कोई भी इवेंट आता था, उसका गाइस यहाँ पे रिवार्ड आप लोग चाहो तो यहाँ पे कलेक्ट कर सकते थे। और गाइस उसके बाद अचानक से उसको गाइस यहाँ पे बैन कर दिया गया, हटा दिया गया, उस फीचर को हटा दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ गाइस उसके बारे में भी आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ में गाइस आप लोग कमेंट करके बताना गाइस कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बात करूं। और साथ में गाइस क्योंकि आप लोगों को पता ही कि गाइस यहां पे जब न्यू अपडेट का कुछ भी हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, तो गाइस यहां पे फिलहाल के लिए पबजी मोबाइल यानी कि टेंशन गाइस यहां पे देख सकते हो स्ट्राइक मार रहा है, तो इसलिए गाइस यहाँ पे न्यू अपडेट को लेकर गाइस वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मान लीजिए गाइस हम लोग इतना मेहनत करके वीडियो डालते हैं और गाइस यहाँ पे तुरंत ये लोग स्ट्राइक डाल रहे हैं, तो इसलिए गाइस मैं सोचा चलो आप लोग को पास्ट की चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताएं कि एक्चुअल में क्या चीज़ें आप लोग को पास्ट में हुआ करता था और क्या चीज़ें गाइस हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 को और गाइस आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो क्या इधर पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री के अंदर एग्जांपल ले लीजिए कि एक इवेंट आया, तो क्या इधर यहाँ पे क्या होता था कि आप लोग गाइस उस कंट्री का बस वीपीएन लगाना पड़ता था और उसके बाद गाइस बस आप लोग को गेम को ओपन करना पड़ता था। और गाइस यहाँ पे जैसे ही आप लोग गेम को ओपन करते थे, तो गाइस मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखाया नॉर्वे कंट्री का एक इवेंट, तो गाइस वो इवेंट आप लोग को सीधा गेम के अंदर शो करने लगता था। यानी कि गाइस आप लोग को कोई भी रीजन चेंज करने का ऐसा कुछ ऑप्शन पहले नहीं रहता था। और उसी में गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे पहले गाइस यहाँ पे वीपीएन ट्रिक पॉपुलर हुआ वो था गाइस यहाँ पे कार 98 का, गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक परमानेंट गन का स्किन जो कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो 20 यूसी वाला एक क्रेट के अंदर आया था। और गाइस यार बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बनाया था और गाइस यार कुछ यूट्यूबर लोगों तो गाइस यहाँ पे मिलियन में मतलब गाइस यहाँ पे व्यूज आया था, जैसे कि गाइस मिस्टर साइबर स्क्वाड उस टाइम पे गाइस उनका लगभग 70,000 से 80,000 सब्सक्राइबर था, लेकिन गाइस ये वीडियो डालते ही उनका बता दूं गाइस कि ऑलमोस्ट 150K सब्सक्राइबर हो गया था। यानी कि गाइस ये पहला ऐसा वीडियो था जो कि अगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और इससे पता चला था कि हाँ कोई वीपीएन ट्रिक भी होता है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे सेकंड टाइप का इवेंट की बात करें, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ आप लोग का इवेंट के अंदर यहाँ पे गाइस सिंपली कुछ मतलब आप लोग को मैच कंप्लीट करना पड़ता था। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैच कंप्लीट करने से ही गाइस यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे कूपन्स मिलते थे। यानी कि गाइस बस 3 से 4 मैच आप लोग हर दिन खेलो और उसी के बदले गाइस यहाँ पे देख सकते हो 2-2, 3-3 कूपन गाइस आप लोग को हर दिन मिलता था। यानी कि गाइस बस एक इवेंट के अंदर से आप लोग को 16 के आसपास गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कूपन्स आप लोग को मिल जाता था। तो डेफिनेटली गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब गाइस पबजी मोबाइल का एरा था उस टाइम पे। गाइस डेफिनेटली जो लोग भी गाइस यहाँ पे पबजी खेलते थे उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो तीसरा टाइप का गाइस यहाँ पे आप लोग का वीपीएन ट्रिक आता था,
जहाँ पे गाइज बस आप लोगों को क्या करना था गाइज कि आप लोग का जो भी कंट्री यहाँ पे मतलब वीडियो में मैं बताता था उसमें गाइज आप लोग देख सकते हो सिंपली आप लोग को मेल बॉक्स में चेक करना पड़ता था। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट मेल बॉक्स के अंदर आप लोग को गाइज यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री में एडवांस रूम कार्ड मिलता था। यानी कि गाइज सोच सकते हो कितना ओपी वाला उस टाइम पे गाइज आप लोग को यहाँ पे रिवार्ड्स मिलता था, कितना अच्छा चीज़ था गाइज कि आप लोग का VPN ट्रिक नाम का मतलब नाम का गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ें होती थी जहाँ पे गाइज देख सकते हो आप लोग को बस यहाँ पे ईमेल में मतलब जाना पड़ता था और गाइज यहाँ से देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे आप लोग को रिवार्ड्स मिलते थे। और गाइज इतना ही नहीं, उसके अलावा यहाँ पे चलो दिखाता हूँ कि और क्या क्या गाइज यहाँ पे आप लोग को जब VPN ट्रिक हुआ करता था तो आप लोग को रिवार्ड्स मिलता था। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ताइवान के अंदर गाइज आप लोग को सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता था जिससे गाइज देख सकते हो 50 आप लोग को क्लासिक स्क्रैप कूपन यानी कि 5 कूपन। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो जो ये हीरो क्रेट गाइज वो आप लोग को 25 बिल्कुल फ्री में। सोच सकते हो गाइज कि अगर अभी आप लोग को 25 हीरो क्रेट मिल गया तो कितना गाइज आप लोग सिल्वर फ्रेगमेंट में इसको चाहो तो यहाँ पे रिडीम कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो जब हांगकांग गाइज यहाँ पे कंट्री था उस टाइम पे गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को गाइज यहाँ पे एक समर चैलेंज करेगा यहाँ पे इवेंट आया था VPN ट्रिक था जहाँ पे गाइज देख सकते हो आप लोग को व्हाइट रेबिट सेट गाइज यहाँ पे बिल्कुल फ्री में परमानेंट मिल रहा था। उसके अलावा कार 98, उसके अलावा प्रीमियम स्क्रैप कूपन, RP मिशन कार्ड, एडवांस रूम कार्ड और इतना ही नहीं गाइज यहाँ पे बस डायमंड टियर तक अगर आप लोग पहुँच जाते हो तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को बिल्कुल फ्री में 10 प्रीमियम स्क्रैप कूपन। उसके अलावा गाइज यहाँ पे 500 RP पॉइंट यानी कि गाइज सीधा आप लोग का 5 RP पॉइंट गाइज यहाँ पे जंप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो भी गाइज बस डायमंड टियर में पहुँचने के बाद। इतना तो गाइज आज के टाइम में अगर आप लोग कॉन्करर पहुँच जाओगे तब भी गाइज आप लोग को इतना OP वाला रिवार्ड नहीं मिलता होगा। तो सोच सकते हो गाइज कि उस टाइम पे जब आप लोग का यहाँ पे VPN ट्रिक हुआ करता था तो कितने अच्छे अच्छे रिवार्ड गाइज आप लोग यहाँ पे कलेक्ट कर सकते थे। तो गाइज यार आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताना गाइज कि इस टाइम पे यानी कि जब VPN ट्रिक हुआ करता था उस टाइम पे गाइज यार यहाँ पे कौन कौन गाइज यहाँ पे PUBG माल को खेला करते थे। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आया बुरा टाइम यानी कि गाइज आप लोग का जो VPN ट्रिक था उसको गाइज यार यहाँ पे बंद कर दिया गया। जहाँ पे गाइज यार देख सकते हो सबसे पहले तो गाइज आप लोग को यहाँ पे लगभग 10 से लेकर 11 जून यानी कि 2019 में सबसे पहले गाइज यहाँ पे PUBG मोबाइल गाइज यहाँ पे वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया कि जो लोग भी गाइज यहाँ पे VPN ट्रिक का यूज करेंगे उन लोग का गाइज यहाँ पे ID खतरा में हो सकता है यानी कि ID आपकी बैन हो सकती है। लेकिन गाइज आप लोग को पता ही कि भाई हम लोग तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल रिस्क लेने वाले बंदे थे यानी कि गाइज ID जाए तो जाए लेकिन गाइज रिवार्ड तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले थे। तो इसलिए गाइज उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट में जाकर गाइज यहाँ पे PUBG मोबाइल 0.14.0 वर्जन यानी कि आज लगभग आप लोग का सीजन 9 के टाइम पे वो लोग है यहाँ पे रीजन चेंज करने का ऑप्शन लिया है यानी कि गाइज आप लोग को रिस्ट्रिक्शन आ गया यानी कि गाइज बस आप लोग एक रीजन में मान लीजिए एक आप रीजन जो सेलेक्ट करोगे उसी का आप लोग को इवेंट बस शो करेगा, उसके अलावा जो बाकी आप लोग का कंट्री या रीजन हो गया उसका आप लोग को रिवार्ड नहीं मिलेगा। और गाइज ये रिस्ट्रिक्शन लाने का मेन रीजन गाइज यहाँ पे पहला था कि आप लोग गाइज पता ही कि इतना मतलब गाइज यहाँ पे अदर कंट्री में आप लोग जाकर रिवार्ड कलेक्ट करते थे तो इससे गाइज यहाँ पे थोड़ा सा PUBG माल को लॉस था हो रहा था। और दूसरा गाइज यहाँ पे क्या था कि अगर मान लीजिए कोई भी आप लोग VPN लगा के उस कंट्री का इवेंट का रिवार्ड कलेक्ट करने जाते थे तो गाइज वहाँ पे जो सर्वर का पिंग था गाइज वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता था तो इसलिए गाइज यहाँ पे जो नॉर्मल उस कंट्री के लोग थे गाइज उनको खेलने में प्रॉब्लम आती थी। तो इसलिए गाइज यहाँ पे PUBG माल ने डिसाइड किया कि सीजन 9 के टाइम पे ये सारा गाइज यहाँ पे चीज़ों को हटा दिया गया यानी कि VPN जो आप लोग का ट्रिक हुआ करता था उसको कम्प्लीटली यहाँ पे हटा दिया गया और गाइज यहाँ पे आप लोग का रीजन वाइज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ला दिया गया जिसके कारण से गाइज यहाँ पे पूरी तरीके से गाइज यहाँ पे VPN ट्रिक जो था गाइज वो मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया। और गाइज बता दूँ कि काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूबर के व्यूज एकदम से यहाँ पे डाउन हो गए क्योंकि गाइज यहाँ पे मेन था गाइज यहाँ पे VPN ट्रिक जिसके कारण से अच्छे खासे सभी लोगों को
व्यूज आते थे। तो गाइस यही था कंप्लीट स्टोरी आप लोग का वीपीएन ट्रिक को लेकर। और गाइस अब आप लोग एपिसोड 2 के बारे में बताना कि उसमें मैं कौन से टॉपिक को कवर करूं, और साथ में मतलब गाइस मैं यहां पे कोशिश करूंगा कि हर एक वीक में एटलीस्ट 3 से 4 वीडियो आप लोग का ओल्ड मेमोरी के ऊपर लाया जाए। तो यस गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना रन देता हूँ, बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.